हेलो, कैसे हो बच्चों? आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। होपफुली आपने पिछली दो क्लासों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, ठीक है? सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस के आधार पे बनाई गई है, ठीक है? इट चेंजेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वे। सो द वे इन विच चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वी कैन क्लासिफाइड केमिकल रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स। पहला जो है इसमें, सबसे पहले जो टाइप्स की बात करेंगे वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन नाम ही है जैसा कि कम्बिनेट, कंबाइन हो रहा हो कुछ। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या कंबाइन हो रहा हो? तो नाम से ही जैसा पता है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर केमिकली, कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, ए सिंगल प्रोडक्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग इन ए केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग, और इवन कह सकते हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, सच केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन, अगर हम कार्बन को जलाएं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह की चीज़ें हैं और इनको हमने ज्वाइन किया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और बन गया CO2। कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल करके और बन गया CO2। H2 और O2 मिल करके बन गया H2O। 2H2 बैलेंस कर देते हैं और ये हो गया 2H2O। तो इस तरीके से यहाँ पे दो चीजें, रिएक्टेंट्स में क्या है, दो या दो से ज्यादा चीजें हैं और प्रोडक्ट में सिंगल है। इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, मोर सब्सटेंस टेक पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, ठीक है? वेयर एज इन प्रोडक्ट देयर इज ए सिंगल आइटम। आइए इसको कुछ एग्जांपल के जरिए समझते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं जो एनसीईआरटी में रिकमेंडेड एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। ऐसे तो आप समझ गए होंगे। देखिए, एक ये हम लेते हैं बीकर। बीकर में आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है घर में सफेदी के काम आता है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड के छोटे छोटे स्टोन के पीसे जो होते हैं, स्टोन टाइप का होता है, और ये आप ले करके अगर यहाँ पे रख दिया गया और उसमें थोड़ा वाटर डाल दीजिए। वाटर डालने के बाद क्या होगा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें आपने डाल दिया वाटर तो बनता है ये CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये दोनों ज्वाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हीट प्लस इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। आप जब इसमें बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड रख दें CaO, और उसमें पानी मिला दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उसके जो बाहर का बर्तन होगा वो गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि उसमें टेम्परेचर रिलीज हो रही है,
और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम कहते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पूरे तरह से घुल जाएगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और हीट एनर्जी रिलीज हुई है। यहाँ पे भी दो सब्सटेंस मिल करके एक तीसरे टाइप का सब्सटेंस बनाया, और इसके बाद व्हाइट वॉशिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसको व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाँव में आप देखे होंगे सफ़ेदी जिसको कहते हैं कि चूना लगाना, सफ़ेदी, तो आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे इसको यूज किया जाता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल जिसको आप कहते हैं, जिस मार्बल में चमक होती है उसी तरह का कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और एक लेयर बन जाता है, हार्ड लेयर बन जाता है, जैसे एक के बाहर होता है जो लेयर उस तरह का, और वो दीवार पे चमकता रहता है। इसलिए एक लेयर जो बन जाता है जो दीवार को, जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट भी करता है, और प्रोटेक्ट करने के साथ उसमें शाइनिंग आ जाती है, तो इस शाइनिंग की वजह से जो है वो थोड़ा सा घर अच्छा लगता है। तो लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और गांव में सस्ते से, हालांकि अब तो पेंट आ गए हैं, बर्जर और ये सब अनसेंट जो पेंट है ये काफ़ी कीमती है, चूना बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो पुअर लोग होते हैं विलेज में वो आसानी से इसको इस्तेमाल करते हैं अपने घर की सफ़ेदी करने के लिए, और इसको इस्तेमाल करते हैं। फाइनली होता क्या है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो ये लगाए जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होता है उसको मिला करके, और ये बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है होल CaCO3, और प्लस वाटर बन जाता है, प्लस वाटर H2O। ये जो वाटर होता है वो थोड़े से देखेंगे जब सफेदी लगती है तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा वो मॉइस्चर उसमें रहता है, वाटर मॉलिक्यूल रहता है जो एयर में सूख जाता है, और दो तीन दिन के बाद लगभग ये दो तीन दिन के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जिसको आप मार्बल कहते हैं। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये बन जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इन रिएक्शंस में आप चाहें तो नेचर लिख सकते हैं, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड है, और ये एक्वस बन जाता है पूरी तरह से। इसी तरह से ये एक्वस है और ये जो है ये गैस है, और ये मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड बन जाता है, ये लिक्विड रहता है। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है। इसी तरह से कुछ और रिएक्शन करें, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये सॉलिड होता है, ये गैस है, बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये पूरा नाम है इसका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसी तरह से अमोनिया बनता है, नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके NH3 बन जाता है अमोनिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो गए, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड अमोनिया, अमोनिया, तो ये अमोनिया बन जाता है। ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इस तरह से हम कई सारे एग्जांपल कम्बिनेशन रिएक्शन के देख सकते हैं। तो ये तो हुआ कि दो या दो से ज्यादा मिल करके एक सिंगल बनाते हैं। ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि एक ही सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होकर के केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाए, तो उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकंड टाइप का रिएक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन, कम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच one
that is compound breaks into two or more compounds that is product compounds that is called decomposition. Such reactions are called decomposition reactions. For example, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हीट किया जाए तो ये बन जाता है CaO plus CO2. इसमें उल्टा रिएक्शन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये निकल जाता है. ये है कैल्शियम कार्बोनेट. तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए कि एक सिंगल प्रोडक्ट है और इसको हीट करने पे दो अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. आइए एक एक्टिविटी के जरिए भी इसे समझते हैं. क्या है कि ये एक्टिविटी देखिए, जो इस एक्टिविटी में क्या क्या है कि ये आप एक टेस्ट ट्यूब लें और टेस्ट ट्यूब में अगर आपने फेरस सल्फेट ले लिया जाए, ये मान लीजिए कि इस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लिया गया है. यहाँ पे है फेरस सल्फेट का मतलब ये हुआ कि हमने लिया है FeSO4 फेरस सल्फेट. और इस फेरस सल्फेट को FeSO4 को अगर हम हीट करें तो हीट करने के बाद इसमें बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. ये भी गैस है, ये गैस है, आप लिख सकते हैं इसको. और ये जो है ये सॉलिड है फेरस सल्फेट. इसको हमने गर्म किया है, हीट करने के बाद ऐसा बन रहा है. तो इसमें आप देख पाएंगे कि एक ही सब्सटेंस जो है वो कई सारे में ब्रेक हो चुके हैं. एक ही सब्सटेंस जो है वो दो तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में ब्रेक हो गया. इसमें जब आप इसको गर्म करेंगे फेरस सल्फेट को इसमें रख के, तो इसमें से गैस निकलेगी. वो दो तरह की गैस निकलेगी, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. ये है फेरस सल्फेट. ये है फेरिक ऑक्साइड. और ये है सल्फर डाइऑक्साइड. और दिस इज कॉल्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्साइड गैस. अब इसको बैलेंस कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे आयरन दो है, तो इधर दो लिख दिया, तो ये दो हो गए. अब इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4, 2, 8. इधर में ये 3, 2, 5 और 3, 8. ठीक है, सल्फर एक और एक दो, इधर सल्फर दो है, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस है. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ही कंपाउंड जो है वो ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक में ब्रेक हो जाता है. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक में बदल जाए उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं इस तरह का, है ना, कुछ और डीकम्पोजिशन रिएक्शन. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, इसको अगर हीट करें तो ये क्या बनेगा, तो ये भी बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. ये गैस है, ये भी गैस है ना, और ये लेड ऑक्साइड सॉलिड होगा. इसको कहेंगे लेड ऑक्साइड. ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है. और ये ऑक्सीजन, ये लेड नाइट्रेट.
ठीक है। तो अब इसमें इसको बैलेंस करके देखते हैं कितने इसमें ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, 2, 4, 1, 5, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 6। देखिए यहाँ पे 3 × 2 = 6 है, तो 6 है तो हम क्या करें, यहाँ पे 5 है इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2, 2, 4 × 2 = 6। अब लेड इधर 2 हो गया, तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लेड तो 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, और नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। सो व्हाट टू डू, अब 12 हो गए, नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 हो गए और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गए, तो यहाँ 4 नाइट्रोजन लिख देते हैं, नाइट्रोजन 2 × 2 = 4, ठीक है, और 4 और 2, 4 × 2 = 8, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गए, नाइट्रोजन 2 × 2 = 4, 4 नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन इधर हो गए 4 × 2 = 8, 2 × 10 = 12, यहाँ पे 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 × 2 = 4 और यहाँ पे भी 4, तो सब बैलेंस हो गए। तो इस तरह से एक इक्वेशन ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें हमने एक लेड नाइट्रेट को हीट करने पे अलग अलग आइटम में, अलग अलग सब्सटेंस में, 3 डिफरेंट सब्सटेंस में ये ब्रेक हो चुका, तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी तरह से वाटर को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करें, H2O अगर इसमें करंट फ्लो कर दे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं इसको वाटर में, तो क्या होगा, ये भी H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये गैस हो गए, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा दोनों गैस में, अगर इसमें करंट हम फ्लो करें तो इसमें H2 और O2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक सब्सटेंस था वाटर और उसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस यानी उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से होता है। तो इस तरीके से आपने कुछ एग्जांपल देख लिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं और रिएक्शन के बाद, और एक ही सब्सटेंस कई सारे छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक हो जाता है ना। ये सारी जो एक्टिविटी हमने की है, इस एक्टिविटी को थोड़ा देख सकते हैं प्रैक्टिकली, जो NCERT किताब में दिया हुआ है कि आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यही है, लेड नाइट्रेट है और इस लेड नाइट्रेट को हीट किया, जो हमने इक्वेशन अभी लिखा था उसी के आधार पे है कि लेड नाइट्रेट है PbNO3, ठीक है, PbNO3 लेड नाइट्रेट है और इसका होल ट्वाइस, और इसको अगर हम हीट करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन O2, और ये हमने बैलेंस कर दिया था, अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 × 2 = 4 × 2 = 6, और इधर 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था अभी तो 4 × 2 = 4 × 8 = 2 × 10 = 12 हो गए, और यहाँ 3 × 2 = 6 × 6 = 12 लेट 2। तो यही ये रिएक्शन है, ये आप कर सकते हैं इसको बड़े आसानी से, ये एक एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी के जरिए आप देख सकते हैं कि एक कंपाउंड जो है वो एक से ज़्यादा में, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की बात आती है तो ये वाटर है, वाटर के अंदर ये 2 रड जोड़े गए हैं, एक एनोड और एक कैथोड है, ये बैटरी के जरिए जोड़ा गया है, ये टर्मिनल्स है, ये स्विच है जिसको ऑन करने के बाद इसमें रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के साथ ही इससे ऑक्सीजन रिलीज होगी और इधर से हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो ये प्लास्टिक की मग है जिसमें हमने इसको जोड़ा हुआ है, ये एक एक्टिविटी आप घर पे भी चाहें तो कर सकते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लेकर के, और देखेंगे एक तरफ से आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो ये इस प्रोसेस को पूरे को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वॉट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है, इस एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है, और इससे मिल क्या रहा है कि H2O जो है वो करंट, ये करंट फ्लो करने के बाद आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो। तो इसी तरह से अगर ये सिल्वर क्लोराइड ले लें आप, और सिल्वर क्लोराइड लेकर के सनलाइट में अगर रखें तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड में अगर सनलाइट रखे जाए
तो ये सिल्वर में और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्लोरीन दो हो गए, तो इधर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो गया। ये भी एक चीज़ है, एक सिल्वर क्लोराइड है जिसमें जो सनलाइट के प्रजेंस में किसमें ब्रेक हो गए, दो में, एक सिल्वर मिल गया और एक क्लोरीन मिल गया, क्लोरीन मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन दो अलग अलग सब्सटेंस मिल जाते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इतना ही नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड अगर हो AgBr, तो इसको भी सनलाइट अगर हम दें और सनलाइट के प्रेजेंस में रखें, तो ये मिल जाएगा सिल्वर और ब्रोमाइड Br2। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही टू से और टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है सिल्वर ब्रोमाइड। आप जो निगेटिव्स होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है, उसको साफ करने के काम में आता है, तो इसको हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और ये है सिल्वर और ये है ब्रोमाइड, ब्रोमीन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक रिएक्शन होती है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है, यहाँ सिल्वर जो मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा, ब्रोमीन जो मिलेगा वो लिक्विड मिलेगा, है ना। एक और रिएक्शन आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये H2O2, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। ठीक है, इसको अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रखें, इसको भी, तो सनलाइट, तो इसमें मिल जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इससे मिल जाएंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को धूप में रखने के बाद उसमें से हाइड्रोजन वाटर, इनफैक्ट वाटर मिलेगा लिक्विड, और ये गैस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखने पे, तो ये धूप में रखने पे इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा। बेसिकली इसको धूप में रखेंगे तो गर्म होने पे इसमें से धीरे धीरे ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक तीन है, इधर ऑक्सीजन दो है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर चार ऑक्सीजन हो जाएंगे। और चार ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दें तो चार ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर चार हो गए, इधर चार हो गए, ऑक्सीजन चार हो गए, ऑक्सीजन चार हो गए। तो इस तरीके से ये भी लिक्विड होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के कई सारे एग्जाम्पल हमने दे दिया आपको, इनमें से एक भी याद रखोगे, दो भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। चूंकि तीन अलग अलग एक्टिविटी थी, उन तीनों एक्टिविटी के आधार पे हमने अलग अलग इक्वेशंस डिस्कस कर लिए और उसके साथ एक दो एक्स्ट्रा इक्वेशन डिस्कस कर दिए, ताकि आप भूल भी जाएं तब भी आपका काम चल जाए। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम ही है जैसे डिस्प्लेस कर देना, मतलब हटा देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा टाइप का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही समझते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ देयर कंपाउंड, देयर कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो कम रिएक्टिव एलिमेंट वाले कंपाउंड के, जो कंपाउंड के सॉल्यूशन में से उसे रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि ZnO है और कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट ये है एक्वस सॉल्यूशन, और इसको अगर रिएक्शन कराएं तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये बन जाएगा ZnSO4। जिंक के जगह पे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में बाहर रह जाएगा, ये इक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ZnSO4 हो जाएगा, यानी कॉपर को जिंक ने क्या किया, हटा दिया, जो सल्फेट उसके साथ था उसको अपने साथ कर लिया,
और कॉपर की जगह खुद आ गया। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और इसलिए ऐसा हुआ। इसी तरह का कुछ और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के साथ फिर किया जाए रिएक्शन, तो आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर इसमें से बाहर आ जाएगा। तो आयरन और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करने के बाद आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये सॉलिड है, ये एक्वस है ना, और फिर ये एक्वस बन जाता है और ये सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट, ये हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और Zn बाहर हो जाता है। तो ये भी उसी तरह का रिएक्शन है, दो तीन रिएक्शन आपको बता दिए हैं। ये एक एलिमेंट जो है किसी कंपाउंड में से उसके एलिमेंट को जो लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देता है। इस तीन एग्जाम्पल में से एक या दो भी लिख देंगे तब भी चलेगा। इसी तरह से एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एक ही डिस्प्लेस हुआ है। अगर दो रिएक्शन में, ऐसा रिएक्शन में जिसमें दो आयन्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू आयन्स ऑफ रिएक्टेंट displace each other called double displacement reaction। For example लेते हैं, क्या क्या? Sodium sulfate Na2SO4 plus BaCl2 barium chloride, ये reaction हो तो बन जाता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, ये बन रहा है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। एक इसके कटायंस हैं सोडियम, ठीक है, इसके एक जो एलिमेंट है सोडियम और इधर है बेरियम, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये सल्फेट और ये जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसका पॉजिटिव इसके साथ और इसका पॉजिटिव इसके साथ ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो बन जाता है बेरियम सल्फेट के साथ चला जाता है, सोडियम क्लोराइड के साथ चला जाता है। तो इस तरीके से आपका जो रिएक्शन होता है इसमें दो दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब इसमें देखिए, सोडियम इधर दो है और इधर में सोडियम एक है, तो सोडियम को तो दो करना पड़ेगा, और सल्फेट इधर एक है तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2NaCl, क्लोरीन इधर दो हो गया, इधर भी क्लोरीन दो हो गया, बेरियम एक है, सल्फेट एक है, तो ये बैलेंस भी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और दूसरा एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, HCl और NaOH को रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा HCl और NaOH, ये रिएक्शन होगा। तो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोक्साइड है हाइड्रोजन के साथ मिलकर के H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये जो है ये क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, ये इसके साथ चला गया, ये एक पार्ट है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसमें भी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसके साथ और इसका नेगेटिव इसके साथ, यानी ये बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरह का कहलाता है, जिसमें दो आयन्स जो है
एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे। रिएक्टेंट के दो आयंस हैं, ये आयंस हैं, ये आयंस हैं, ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, और ये तो वाटर है, ये आपको पता ही है। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप समझ गए, दो एग्जांपल काफ़ी है समझने के लिए। फिर भी कुछ एक्टिविटी के जरिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम समझते हैं कि कैसे होता है। आइए कुछ एक्टिविटी के जरिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। डायग्राम को आप देखें, इसमें क्या है, ये आयरन की नेल है और ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप इसे देखें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन की नेल रखी गई है। तो इसमें क्या मिल रहा है, ये आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 और ये बन रहा है फेरस सल्फेट, और प्लस कॉपर इसमें रिलीज हो रहा है। ऊपर हमने ये एग्जाम्पल दिया था, आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। SO4 प्लस इसमें कॉपर बाहर आ गया, तो ये हमने ऊपर एग्जाम्पल इस डिस्कस किया था। आपने इसको, यही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, आप एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको करके देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब इसको रखेंगे तो ये कॉपर जो है वो बाहर हो जाएगा और आयरन के साथ जो है धीरे धीरे वो मेल्ट होकर के एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएगा जिसमें आपको क्या मिलेगा कि जिसमें आपको आयरन सल्फेट मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और एक देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, इसको भी आप समझ सकते हैं इसी तरह का, कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट है, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन में रखा हुआ है, यानी पहले जो आयरन था वो ऐसा था, आयरन का जो नीडल था वो ऐसा था, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर निकाला तो ऐसा हो गया, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ये कलर था और जब इसको बाहर निकाल लिया तब उसका इस तरह का रिएक्शन हो गया जो मिक्सचर मिला है। इसका मतलब है कि साफ साफ इससे पता चल जाता है कि कॉपर सल्फेट जो है ये कॉपर के लेयर इसमें चला गया है, आयरन का आयरन डाला तो ये आयरन सल्फेट बन गया है और आयरन इसमें से आयरन और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ है तो आयरन सल्फेट बन गया है और कॉपर इसमें से बाहर आ गया, यानी ये जो नेल है इस बाहर जो इस पे लेयर जो है वो सल्फेट का है, इसलिए इसमें से कॉपर बाहर हो गया है और फेरस सल्फेट बन गया है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी उसी इक्वेशन को सपोर्ट कर रही है कि ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, और इसमें मिला रहे हम क्या, सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट, ठीक है, बन जाता है बेरियम सल्फेट, ठीक है, रिएक्शन के बाद, और बेरियम सल्फेट और क्या बन जाएगा फिर, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, दो सोडियम है, दो सोडियम ऊपर ही इक्वेशन लिख रखा था, तो ये हो गया 2NaCl। तो ये सब एक्टिविटी आप लैब में करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने चार तरह के जो केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हमने बात की उसको समझे, इसको अच्छे से याद करना है। कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि एक एलिमेंट एक्स है जिसको कि वाइट वाश के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको वाटर से रिएक्शन करने पर क्या मिलता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस की जा चुकी है, आप इस सब क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, इसको अच्छे तरह से पढ़ लेना है, पढ़ के याद करना है और इसको रिवाइज कर लेना है, फिर आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट को करना है, ठीक है ना, और फिर अभी तक जो आपने सीखा है उसको अच्छे तरह से रिवाइज कर लीजिए, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अगले दिन हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, तो तब तक के लिए नमस्कार।